हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम। मैडम के चैनल को सब्सक्राइब किए इंचार्ज है यहाँ पे ना, और आपकी जो भी मतलब स्टाफ है ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कोऑपरेटिव है, इतने अच्छे से उन्होंने किया। स्पेशली ये भाई साहब मतलब ने इनको इतनी बार फोन किया है हर बात पूछने के लिए, और इतनी जल्दी इन्होंने व्यवस्था कराई है। हाँ बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हो और सुरक्षित हो। आज 21 जनवरी डे फ्राइडे हमारे लिए बहुत ही यादगार दिन, बहुत ही यादगार दिन, हमारे जीवन का एक बहुत ही खास दिन है आज, और जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। परसों वेंसडे को मुझे थोड़ी सर्दी जुकाम था ना, तो कल भी मुझे ज्यादा थी सर्दी थर्सडे को, तो मेरी ऐसे मतलब काम करने का दिल नहीं कर रहा था, तो रात में मैंने कुछ शूटिंग नहीं की थी, मॉर्निंग में की थी, लेकिन फिर सारा काम वैसे ही पड़ा था। सुबह हम 6:30 बजे उठे और पूरी किचन साफ करी अदरक वाली, और फिर नहाने झाड़ू लगाया, नहाया, फिर अदरक वाली चाय बनाई, ब्रेड बटर और चाय खा के हम लोग दौड़े भागे चारों लोग, सबने बारी बारी नहाया, और मैंने और ओम ने चाय ली, बच्चों ने चाय नहीं ली, और फिर हम लोग स्टेशन आए और हमारी 8:15 की ट्रेन थी। हम जलगांव आए हैं, जलगांव क्यों आए हैं, क्या काम है ना, जलगांव हम लोग आए हैं क्योंकि हम 31 दिसंबर जो आए थे ना, मैं ओम और शुभम जलगांव, हम एक्चुअली कार देखने आए थे, हमने कार देखी, पसंद करी, एक दो दिन बाद ही न्यू ईयर में हमने बुक कर दी गाड़ी, टाटा पंच सेलेक्ट की हमने, किया भी देखी थी, किया भी हमें बहुत पसंद थी, किया और पंच में फिर हमने पंच फाइनल किया और हमने बुक करी। जब हमने बुक करी ना, मेरी ऐसी इच्छा थी कि हमारी पूरी फैमिली हो जब हमें गाड़ी की चाबी मिले, लेकिन कुछ उम्मीद नहीं थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि 3 महीने बाद वो गाड़ी आएगी जो कलर हमने पसंद किया। अब 3 महीने तो बहुत लंबा है, फिर ये था शायद तब तक शुभी आ जाए। यूं ही सब कुछ अचानक हुआ, जनवरी में हम कोटा गया, शुभी के बर्थडे सेलिब्रेट किया, शुभी यहाँ आने वाले हैं, हमें इसका भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद बस फिर ऐसा हुआ कि फोन आया कि वो हमें गाड़ी दे सकते हैं और 8-10 दिन में गाड़ी मिल जाएगी, और शुभी हमारे पास ही थी, ये भी महाराज की मतलब हमारी इच्छा महाराज ने पूरी करी, और आज शुभी भी हमारे साथ है, हम लोग सब साथ में है, पूरी फैमिली और हम सब एक साथ है, और आज हम लोग अपनी गाड़ी, हमारी न्यू फैमिली मेंबर है ये हमारा 5वां, हम 4 के साथ में सखाराम, शुभी का तारक मेहता में सखाराम जैसे है ना स्कूटर, वैसे ही इनकी सखाराम है, और आज हम लोग बहुत खुश हैं। तो फिर आज जब शुभी के रहते पे ये गाड़ी मिल रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि अगर मैं बाद में मिलती हूँ शुभी कोटा में होती तो मुझे इस बात की कमी महसूस हो रही थी, और हम लोगों ने ये ऑरेंज कलर पसंद किया है, हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है, मतलब हमारी लाइफ की पहली कार है ये, और जिसे सारे बच्चे बहुत खुश हैं, हम लोग जैसे दौड़ते भागते ऑटो से बैठे और फिर हम लोग आए स्टेशन में, फिर हमारी ट्रेन थी, तो हमारे ये मसले जीवन के कम हो जाएंगे कि हमें हमेशा दौड़ना नहीं रहेगा, और हाँ भी तो खुशी हो रही है। हाँ, बहुत खुश हैं हम सब लोग। हाँ शुभी, और शुभी को कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा खुशी। शुभम खुशी हो रही, इसी बहाने मुंह तो खुला, खुशी तो सबको हो रही है, सबको बोलना ही था ना। और पता है हमने मुहूर्त भी पता किया था ना, तो 17 तारीख को पहले वो था क्या पूर्णिमा थी, 17 को लेने वाले थे, लेकिन फिर कुछ फॉर्मेलिटीज थी ना लोन वगैरह की, वो सारी पूरी नहीं हुई थी, तो फिर डेट ऐसे बढ़ती गई। 21 को ना गणेश चतुर्थी है, आज बड़े गणेश है, गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, इसलिए हमने आज का दिन लिया, और जो हमारा मुहूर्त था 10:30 से 12 के बीच नहीं लेना है, क्योंकि तब राहु काल था, 10:30 के पहले लेना था या फिर 12 के बाद, और शुभ की क्लास होती है 2 बजे से, हम सोचे थे कि सुबह सुबह जाके ले लेते हैं, इसी वजह से हम लोग दौड़े भागे आए हैं, सुबह से उठे नहाया धोया और चले आए हैं।
और आज गणेश चतुर्थी के दिन हमारे लिए और भी यादगार हो गया है। और इस कलर में बच्चे बहुत खुश हैं। पहले हमने दूसरा कलर पसंद किया था, मैं दिखाती हूँ, वो तो हमें उसी दिन लेने को कह रहे थे। यहाँ खड़ा है। पहले ना ये वाला कलर हम रात में आए थे, हम शाम से निकले थे भूसावर से, तो हम पहले किया में चले गए। किया में हमें एक रेड कलर मरून बहुत सुंदर बहुत पसंद था, लेकिन पंचरेणी की हमें, क्योंकि इसकी जो रेटिंग है ना 5-स्टार रेटिंग होती है, मतलब ऐसा लोग मानते हैं सेफ्टी के लिए टाटा पंच, तो फिर हम टाटा की गाड़ियां मतलब सेफ्टी में ज्यादा अच्छे मानते हैं, सब लोग कहते हैं, सजेशन था सबका, तो फिर गुप्ता जी ने कहा कि यही लेंगे। तो पहले ये कलर था अवेलेबल, पर हम ऑरेंज के लिए वेट किया हमने, क्योंकि हमें व्हाइट नहीं लेने का मन था, पता नहीं क्यों। व्हाइट मतलब बचपन से हम कार देख रहे हैं, कार का मतलब सफेद कार। मैं ऐसे हंस रही थी घर में कि व्हाइट कार मतलब एम्बेसडर भी शुरू से देखते चले आए तो व्हाइट कलर की होती थी। कलर तो कोई दूसरा ही लेंगे, व्हाइट नहीं लेंगे, तो फिर ये ऑरेंज वाला हमें पसंद आया। थोड़ा सा नया नया सा था, इस वजह से ये पसंद किया। जब हम लोग आए ना स्वेटर वेटर पहन करके, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर इनका ये केबिन है ना, यहीं पर हम लोगों ने अपना स्वेटर निकाल करके रखे हैं, और अभी फोटो शूटिंग करनी थी, इस वजह से ही मास्क और स्वेटर जो उतारे हैं हम लोगों ने। और मैं इनका दिखाती हूँ टाटा वालों का, बहुत ही बड़ा है इनका, ये मतलब एक शोरूम इनका अलग ही है, ये इनका गैरेज है, इतनी सारी गाड़ियां। और एक और मजेदार वक्त है, आज ही एक दूसरी गाड़ी भी जो जा रही है मॉर्निंग में, तो देखो ऑरेंज ही जा रही है, ऑरेंज पंच, ये भी पंच है, सेम मॉडल है जो हमने लोगों ने लिया है, सेम वही है। और शुभी ने तो फर्स्ट टाइम देखी। सब बताइएगा आपको हमारी कार कैसी लगी। हाँ ये जरूर बताइएगा सब लोग। और जब हम लोगों ने गाड़ी पसंद करी थी ना, तो शुभी नहीं थी हमारे साथ, 31st को आइटम देख ले, अब हमारा गुड्डा हमारे पास है, हमें बहुत अच्छा लगा। जब वो चाबी दे रहे थे ना, तो मैंने कहा नहीं आप बच्चों को दीजिए, अभी मेरे हाथ में। और जैसे ही जलगांव स्टेशन हम लोग उतरे हैं ना, कि सीधा हम लोग टाटा मोटर्स में पहुंच गए हैं, 10 बज रहे थे सुबह का समय, देखो सुबह के 10 बजे। इतनी जल्दी तो हम लोग किसी शॉप में नहीं जाते, एक्चुअली टाइम का इतना रिस्ट्रिक्शन था, इस वजह से हमें जल्दी जल्दी करके जाना पड़ा। तो 10 बजे हम पहुंचे यहां से, और यहीं पर ना देखने में आई थी 31st दिसंबर, आपको याद होगा मैं और शुभम और गुप्ता जी के साथ आए थे जलगांव, फिर हम लोग रात पे लौट के पहुंचे थे केंद्र। जैसे हम ऊपर आए, सामने हमारी जो पसंद की हुई गाड़ी थी ऑरेंज कलर की, ये सामने है, मतलब उन्होंने पहले लगा ली होगी ना कि आज इसकी डिलीवरी है, बोल रहे थे कि आज के दिन 10 गाड़ियों की डिलीवरी है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है ना, तो दिन भी देखते हैं लोग उसके हिसाब से जिन्होंने भी बुकिंग की। दोनों ही बच्चों के चेहरे देख के आप समझ सकते हैं कितनी खुशी, बियॉन्ड लिमिटेशंस खुश, इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। और मेरे मन की को जो खुशी कार लेने की थी, उससे 10 टाइम मुझे लग रहा है ज्यादा फीलिंग मुझे इस बात की थी कि शुभी मेरे साथ है। आप यकीन मानो कि नहीं मानो, मैं वो क्लिप, मेरे पास शॉर्ट फोटो भी रखी, स्क्रीन शॉट में दिखाऊंगी। मतलब जब हम गाड़ी देखने आए, तो हमने शुभी को वीडियो कॉल किया था, और हमने शुभी को बताया कि शुभी आज हम लोग आए हैं जलगांव और गाड़ी देख रहे हैं, देखो ये शोरूम, काश तुम होती। तो मैंने कहा शुभी, जब हम लोग बात कर रहे थे वीडियो कॉलिंग की, तो ये स्क्रीन शॉट ले लेते हैं शुभी, बाई चांस तुम नहीं हुई और हमने कार ली, तो हम तुम्हारी फोटो को लगा देंगे उस वीडियो के व्लॉग में। और तो उसने कहा ठीक है, हम दोनों की बात हुई इस बारे में, और दोनों ने अपने अपने फोन से स्क्रीन शॉट ली, उसने मुझे दिया अपनी वाली, और मैंने उसको सेव भी करके रखी थी। अब हंसी आ रही थी रह रह के, महाराज ने इसको इसलिए यहाँ भेजा, हम गए थे बर्थडे मनाने इसका, और ये हम लोग के साथ आ गई। चलो लॉकडाउन हो गया था, पहले मैं ये सोची थी कि इस वजह से यहाँ आई, एक्चुअली रीजन मुझे आज पता चला कि इसको महाराज ने क्यों भेजा भुसावल हमारे साथ, इसके 18th बर्थडे में, इसको ग्रैंड बर्थडे चाहिए था ना, इसने मुझसे ये लाइन बोली थी कि भाई मेरा 18th बर्थडे है, तो कुछ मैं चाहती हूँ कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन करें। पता नहीं था कि ये ग्रैंड होने वाला है, जनवरी 21st ही सही, पर है तो जनवरी ही ना, और शुभी का 18 सालवा बर्थडे, ये हमारी यादगार रहेगी कि हमारी कार तब आई थी 2022 में 21st जनवरी। और शुभी पास में है, इस बात की 1000 गुना खुशी थी मेरे दिल के अंदर, और ये मेरा दिल दिमाग सब ऐसे में होश में नहीं, एक दो दिन तबीयत भी ठीक नहीं थी, और जो दौड़े भागे सुबह से आए, आप समझ सकते हो ना, 6 बजे से उठी और ताबड़तोड़, और जो गुप्ता जी ने मुझे ट्रेन से दौड़ाया ना पिछले 22 सालों में हर जगह,
ट्रेन से ही जाते आते थे हम तो हमेशा, ट्रेन और ऑटो, ट्रेन और ऑटो। अभी घर से भी निकले, ऑटो में बैठे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन से उतरे, ऑटो में बैठे यहाँ आ गए। और ये कार की जल्दी जल्दी वाली पूजा मैं कर रही हूँ। मैं अपने पर्स में ना एक छोटी सी पूजा वाली घंटी, गिलसिया, प्लेट, हल्दी कुमकुम की डबिया सब लेकर आई थी। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भी थाली वाली मिलेगी कि नहीं। जल्दी जल्दी अपना करने में, क्योंकि मुझे 10:30 के पहले कर लेनी थी ना पूजा। इस चक्कर में उन्होंने बोला मेरे से कि मैडम आप करिए, आराम से कर लीजिए अपना जो भी आपको करना है, फिर हम लोग, क्योंकि उनका तो 10 बजे के अभी तो शुरू हुआ है, खुला है इनका शोरूम, फिर अभी जब इनके सब आएंगे एम्प्लॉयज तब उस हिसाब से वो अपनी पूरी व्यवस्था करेंगे, उन्होंने बोला हमको। लेकिन जो मेरे पर्स में था, पूजा पानी सब मैंने अपना शुरू किया, शॉर्टकट वाली पूजा महाराज का नाम लेकर के। और फिर इन्होंने हमें पूरी थाली दी पूजा की, और नारियल और ये पेड़ा वगैरह सब करके, फिर अब हम लोग फाइनली पूजा कर रहे हैं। मतलब हमें 10:30 के पहले ही सब पूरा कर लेना था। मुझे बहुत ज्यादा पूजा करनी नहीं आती, मैंने बताया था कि जहाँ पे बड़ी बड़ी पूजा करनी होती वहां पे अभिलाषा के हाथ ढीले हो जाते हैं, कुछ नहीं आता। बस ऐसे स्वास्तिक बनाना और कुछ छोटे बहुत श्लोक वगैरह आते हैं, और ऐसे की शॉर्टकट वाली पूजा उतना ही आता है। वो कार में वो नारियल का उतारा करते हैं ना, वो नहीं आता मेरे को कैसे करना है। तो ये सब मैंने पहले से बात कर ली थी, मेरी जो दो ताई लोग हैं केंद्र में और भाव साहब हैं, उनसे बात कर ली थी। उन्होंने कहा था ताई अब आओ केंद्र में, हम पूरी पूजा कर देंगे। तो ये तो हमें मन में था कि मतलब कोई चिंता की बात नहीं है, हम केंद्र में जाके पूजा करा लेंगे। अभी सिर्फ ये कार वाली पूजा का थोड़ा सा शॉर्ट में करना है। उन्होंने हार पहनाया और हमने नारियल और भोग और ये हल्दी कुमकुम किया। और गुप्ता जी को भी ज्यादा कुछ मतलब इतनी, जैसे ये सब पूजा वूजा करनी है ना तो बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं रहती है, बस हम दोनों एक जैसे ही हैं। मतलब पूजा के मामले में हमें थोड़ा बहुत केंद्र में सुना देखा, हालांकि दोनों के परिवारों में खूब करती हैं मम्मी लोग, लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं है। फिर नारियल फोड़ना था तो यहाँ बस सामने ही उन्होंने बना रखा है, यहाँ पे नारियल फोड़ दिया गुप्ता जी ने फटाक से एक बार में। हम लोग सोचे कि लेंगे कैप्चर, उन्होंने जब तक शुभम गया ना तब तक फूट चुका था उनका नारियल। और अब करीब 10:30 हो रहे थे, वो हमारा सारा काम हो गया, मतलब शॉर्टकट वाली पूजा, चाबी लेना और नारियल, ये हमारा 10:30 के पहले सब हो गया। इस बात के मैं बहुत खुशी थी, मैं 10:30 के पहले कर लेना, फोटो सेशन होता रहेगा। अब इनका सारा स्टाफ ऑलमोस्ट आ चुका था, एक बगल में भी वाइट जो गाड़ी खड़ी है ना, इनका भी अभी हो रहा है डिलीवरी, और अभी लाइन से सज धज के तैयार है गाड़ियां पूरी अंदर में लाइन से, एक 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 करके आती जाएंगी। शुभारंभ हमारी गाड़ी से है फर्स्ट, और ये शुभम और शुभी बच्चे बहुत खुश। और हाँ, शुभी ने पहली बार देखा कलर, मतलब हमने इसको सिर्फ बताया था, जब हमने वीडियो कॉल की थी तब ये गाड़ी नहीं दिखाई थी इसको, दूसरी ऐसे दूर से दिखा रहे थे कि शुभी देखो हम आए हैं यहाँ पर। हम लोग ओरली मुंह से बता रहे थे कि हमने ऑरेंज कलर लिया है, चाहते तो हम पंच का ऑरेंज कलर भी दे भेज सकते थे इसको, बस फोन पे ऐसे बातें हो रही थी कि दीदी ऑरेंज कलर पसंद किया है वही लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। शुभी देख के तो बहुत खुश थी, कहती मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन भी नहीं हो रहा है। सच पूछो तो हमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है, हर किसी का एक सपना होता है ना, घर गाड़ी बंगला, मैंने ये ड्रीम देखा भी नहीं था। पता नहीं बहुत से लोग मेरी इस वॉइस ओवर को सुन के यकीन भी कर रहे हैं कि नहीं, भाई ली है तो सोचा ही होगा ना, ऐसा सोच रहे होंगे सब। 21 दिसंबर गुप्ता जी और शुभम जलगांव गए थे, जिस दिन मेरा वो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो मैं कर रही थी, करेक्ट। गुप्ता जी अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, उनको गाड़ी लेनी थी, इनके दोस्त को, सिर्फ देखने गए थे। अब देख तो आए शुभम, इनको बड़ा मजा आया, ये लोग मुझे 31 दिसंबर लेके गए, मीनू चलो देख लो अगर कहो तो ले लिया जाए। तो हमने कहा ठीक है चलिए, देख लिया, अच्छी लग गई। अब अच्छी चीज तो अच्छी लगेगी, मतलब ये सब भगवान ही करते हैं ना, फिर उसे बुद्धि लाते हैं, वरना हमने तो नहीं सोचा था लेने के लिए, क्योंकि हम रेलवे वाले लोग हमेशा तो ट्रेन से आते जाते हैं, कोई हमारा दूर दराज तक रिश्तेदार यहाँ नहीं है जहाँ हम जाते आते हो, और घर से बाहर मेरा कोई काम ही नहीं होता, उस हॉल में जाने की कोई गिनती की जगह नहीं है, मतलब हमारी जरूरत ही नहीं थी इससे पहले, लेने से पहले तो हमने कभी सोचा नहीं था, पर भगवान की इच्छा थी ये। पर मुझे, मैं बताना चाहती हूँ, मैं 17 तारीख को जब डिंडोरी गई थी ना मावली जी के दर्शन के लिए, जो मैं ट्रेन से गई थी, फिर मैं वहां से उतरी, फिर बस से गई, फिर हम त्र्यंबकेश्वर गए, फिर हम त्र्यंबकेश्वर से डिंडोरी गए, डिंडोरी से त्र्यंबकेश्वर, फिर हम नगर देवला, नगर देवला से भुसावल। मैंने बोला था ना व्लॉग में कि मेरी कमर बहुत दुख रही है,
जब मैं मावली जी के सामने बैठी थी तो मेरे मन में ऐसे आ गया, मावली जी खुशी तो बहुत हो रही है आपके दर्शन करके, लेकिन मेरी कमर बहुत दुख रही है बहुत। और सोचो 17 तारीख की बात है, अगर कोई मेरा रेगुलर ब्लॉग देखता है तो मैं 17 दिसंबर मावली जी के दर्शन के लिए केंद्र में गई थी, 17 जनवरी हमारा डाउन पेमेंट हो गया कार का, और फिर हमारा फाइनेंस हुआ 18 को, उनके पास पहुंचा कैश फाइनेंस वाला पैसा, और हमारी 21 को गाड़ी हमारे दरवाजे, एक महीने के अंदर 17 से 17। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि महाराज ने मेरे लिए जो इतना कुछ किया है मेरे जीवन में, आज जो ये गाड़ी भी है ना, ये उनकी मर्जी है, उनकी देन है, उनका उपहार है, उनका गिफ्ट है, उनका ही है सब। वैसे तो सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, मतलब ये लाना भी हुआ, हमारी बुद्धि उन्होंने वैसे बनाई कि हाँ अब हमें इसकी जरूरत महसूस हो गई कि हाँ बच्चों को कहीं ले जाना है, मैं कहीं जाऊं थोड़ा सा तो कहीं हम आस पास आए जाए, ये सारी चीजें भी अब जो हम फील कर रहे हैं या हम खुश हो रहे हैं ये भगवान की मर्जी है, महज भगवान की मर्जी। मतलब उन महाराज ने ही मेरे लिए ये किया है। कोई 25 दिन के अंदर गाड़ी का प्लान देखना, हार हो जाना और सारी चीजें फॉर्मेलिटीज हो जाना धड़ाधड़, और 17 को गाड़ी आ गई। अच्छा आ गई ठीक है, अभी तो ये गाड़ी का हो गया पूजा, हार माला नारियल पेड़ा सब हुआ। अब देखो सरप्राइज पे सरप्राइज अनुष्का, एक्चुअली जब गाड़ी लेनी थी मैंने बोला कि फरवरी हमारी एनिवर्सरी है, यदि आप उसके पहले दे दें तो अच्छा है, क्योंकि ना इन्होंने बोला था 3 महीने के बाद मिलेगी ये ऑरेंज कलर जो हमें लेना था। तो इनको याद आया कि बर्थडे ज्यादातर बर्थडे होता है बच्चों का, अनुष्का हैप्पी बर्थडे अनुष्का, इन्होंने हमने नहीं लिखवाना को बोला था हैप्पी बर्थडे अनुष्का ना, हमने ये बताया था कि हमारी एनिवर्सरी है फरवरी में, हम चाहते हैं उसके पहले मिले। अब इनको ये याद आ गया, और मैंने ये बोला था कि अभी हम अपनी बेटी के पास बर्थडे में जा रहे हैं कोटा, क्योंकि हम 3rd को हम 4th को जा रहे थे ना कोटा, तब हम गए। और यहाँ देखो अनुष्का हैप्पी बर्थडे अनुष्का, मतलब महाराज ने शुभी को भी ये खुशी दे दी कि एक पल को तो उसने फील किया ना कि उसका 18th बर्थडे है, और मम्मी पापा के पास मतलब कार आई और हम सब यहाँ पर है हमारी फैमिली, और कार के दिन उसका बर्थडे, और इतना ग्रैंड जो सब वो चाह रही थी कि पूरा स्टाफ टाटा मोटर्स का देखो सब बहुत खुश, सब उसको विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे अनुष्का हैप्पी बर्थडे, और हम लोगों ने फिर से उसको एक बार क्लैप किया हैप्पी बर्थडे के लिए। मतलब कहाँ से 6 जनवरी से 21st जनवरी में भी शुभी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। मैं हैरान थी, मुझे लगा सिर्फ केक भी तो केक ठीक था, अनुष्का हैप्पी बर्थडे 2 सेकंड को, फिर मैंने कहा ये महाराज की मर्जी महाराज की इच्छा, और ये मतलब दो चीजें हुई, एक तो जो मेरी खुशी की शुभी मेरे पास है महाराज ने भेजा, शुभी की इच्छा पूरी करी कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ इस तरीके से, और गाड़ी आई हमारे घर में एक नया मेहमान हमारी फैमिली का, और सब पूरा स्टाफ बहुत खुश, और केक कटिंग सबने उसको क्लैप किया विश किया, और क्या बोलूं, और मैं रह रह के सोचे जा रही हूँ, मैं अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई हुई हूँ, धड़ाधड़ धड़बड़ तड़बड़ चीजें होती जा रही है। अभी ये हुआ ही था कि वो चाबी लीजिए, मैंने आज तक सिर्फ फोटो देखी थी फेसबुक में लोगों को, जब कार लेते तो लोग कहते थे हमारी न्यू कार हमारा न्यू मेंबर, वो आके खड़े हो गए स्टाफ की चाबी, फिर मैंने कहा आइए ना गुप्ता जी बच्चे, किसी को पंद्रह एहसास नहीं कि ये इसके बाद ये होने वाला है, हमको तो जो चाबी मिल गई थी गाड़ी की ना 10 बजे, हमने सोचा होंगे। और केक कटिंग के बाद नंबर आया फोटोशूट का। मुझे तो याद ही नहीं आया, मैं तो गाड़ी में बैठ के फोटो ही नहीं ली बच्चों की, जैसे जैसे बच्चों को खुशी हो रही थी मैं बच्चों का ही कैप्चर करती जा रही थी, वो कितने खुश हैं उन, वो मम्मी ऐसे फोटो ले ले हमारी वैसे फोटो ले ले, पूरा स्टाफ ये देखो इनका पूरा स्टाफ है, और इनके स्टाफ में भी सब बहुत खुश हैं, और कह रहे थे उन्होंने बोला कि मैडम के चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, ऐसे बोल रहे थे वो लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। सब इतने कोऑपरेटिव हैं, जैसे हम लोग गए चाय कॉफी वगैरह उन्होंने सब पूरा हम लोगों को पानी वानी दिया, और हम लोगों के लिए पूरा पूजा का इंतजाम किया, और ये सारा कुछ, और इतने अच्छे से सब बहुत ही, और इतने कोऑपरेटिव है, जैसे हमें लेना था हमारी मतलब 15 दिन के अंदर इनसे सारी बात हुई है। 25 दिसंबर आए थे गुप्ता जी देखने हाँ, और मैं आई थी 31 दिसंबर, और इसके बाद ये जो भैया है ना हम लोग के साथ खड़े हैं उन्होंने सारा हम लोगों का मतलब जल्द से जल्द करवाया कि हमें अर्जेंट चाहिए था ऑरेंज कलर चाहिए था, और ये इनके मैनेजर हैं स्टाफ में जो गुप्ता जी के बगल में खड़े हैं सब यही संभालते हैं, और बहुत ही बढ़िया है। टाटा की तो खैर तारीफ क्या है, मतलब 5 स्टार रेटिंग होती है इनकी सेफ्टी के लिए,
जो सबसे ज्यादा टाटा का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सेफ्टी के लिए, 5 स्टार रेटिंग मानते हैं और भरोसा करते हैं लोग टाटा में। और उन्होंने कहा भी कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे मतलब कांटेक्ट करिएगा। और फिर हम लोग बैठे फाइनली अपनी गाड़ी में और हम भुसावल पहुंचे। हमें नंबर प्लेट भी मिल गई थी आज। इतने 3 दिन में सारे काम हो गए थे और आरटीओ ऑफिस का भी सब जो फॉर्मेलिटीज होती हैं सारी कुछ हो करके, और नंबर प्लेट लग रही है। अभी हम लोग नीचे आए ना, जब बैठे ऊपर फिर नीचे वो हुआ और फिर हम लोग निकल लिए। तो अब पहुंच रहे हैं भुसावल। फर्स्ट टाइम हम अपनी गाड़ी में बैठ के जलगांव से भुसावल। हम सुनते थे कि लोग भुसावल से गाड़ी में चले जाते हैं जलगांव शॉपिंग के लिए, जलगांव वाले लोग अपना बाई रोड आ जाते हैं। हम तो हमेशा ट्रेन में ही गए। ट्रेन है 8 बजे की, 6 बजे से जगा दिया जाता था और 7:30 बजे से स्टेशन में पहुंचा दिया जाता था। और ट्रेन मर्जी वो 9 बजे भी आ सकती है। हम तो जीवन में यही करते चले आए थे। और ट्रेन में अभी ट्रेन का लौटने का समय होता था, 4 बजे की ट्रेन है, तो गुप्ता जी 3 बजे से उस दुकान में जहां बैठे वहां से उठा देते थे कि चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो 4 बजे के ट्रेन के लिए 3 बजे से स्टेशन में पहुंचते थे हमेशा। फिर वो 4 बजे की ट्रेन 6 बजे आए कि 5 बजे आए, वो उसकी मर्जी। फिर घर आए था कि 9 बजे। हमें तो वो वाला एक्सपीरियंस था, अलग ही फीलिंग थी मैं नहीं थी, जैसे लोग कहते हैं ना एक फिलोसफी में एक वर्ड था कि मैं हूं या नहीं हूं वो वाली चीज थी। मतलब गाना भी नहीं गाते बन रहा है, कोई लाइन भी याद नहीं आ रही, शून्य हो जाए मस्तिष्क एकदम। और फिर सीधा ये था, उन्होंने पूछा कहाँ है आपका घर। हमने घर नहीं, पहले केंद्र। हम लोग केंद्र आए, महाराज के दर्शन, नारियल उतारा करना, पहले से हमारी बात हो चुकी थी। 2 भाऊजी पहले से केंद्र में थे। देखो इस टाइम पे ये काम भी, हम 12 बजे के बाद वहां से चले ना, तो 12 के बाद हमारी ये पूजा भी हो सकती थी, तो ये भी कितने परफेक्ट टाइमिंग में हुई, 1 बजे आसपास पूरा केंद्र खाली देखो है ना। और 2 भाऊ जी थे, पहले से बात हो गई थी ना हमारी ताई से उन्होंने बोल रखा था उनको, वो बिल्कुल बेचारे दोनों बच्चे भैया लोग बाहर ही खड़े थे। उन्होंने पूरी पूजा करके दी जैसे केंद्र में होती है, नारियल उतारा किया, और उसके बाद आ गए हम लोग अपने घर टैन टैन पार्किंग में गाड़ी। एक अलग ही फीलिंग पूरा, मतलब अब मैं क्या बताऊं, रह रह के अभिलाषा बताएगी सोच सोच कर। अभी तो फिलहाल इतना ही है। जब हमारी शुभी का जन्म हुआ था 2004 में, तब गुप्ता जी के पास बाइक आई थी, और आज शुभी 18th की हुई तो कार आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।